हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अभी आया हूँ बकरी चराने के लिए, क्योंकि घर वाले सब रोपा रोपने गए हैं तो मुझे भेज दिया गया है बकरी चराने के लिए। तो बहुत दिनों बाद बकरी चरा रहा हूँ क्योंकि मैं गांव में अभी नहीं रहता हूँ, मैं अभी कोलकाता में रहता हूँ। तो फिलहाल घूमने के लिए आया हूँ गाँव, तो अभी रोपा रोपा सीजन है तो सब कोई रोपा में व्यस्त है, तो इसलिए बकरी चराने के लिए कोई नहीं है, इसलिए हमको भेज दिया गया है। तो चलिए आज का दिन हमारे साथ बकरी के साथ बिताते हैं, क्या क्या करते हैं दिन भर में दिखाते हैं आप लोग को। ये रही मेरी बकरियाँ, ज़्यादा नहीं है, 3 है और 4 बैल हैं। तो बैल को अभी हल जोतने के लिए ले गया है, तो फिलहाल बकरी घर में बांधा हुआ था इसलिए हमको चराने के लिए भेजा गया है। तो चलिए आज का दिन बकरी के साथ वीडियो में बने रहें, दिन भर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं गांव के लोग बकरी चराने के दौरान या बैल चराने के दौरान। बकरी चराने में बहुत आनंद भी आता है क्योंकि देखते हैं कि बकरियां सब घास फूस खाती है। इसमें एक ख्याल आता है कि हम लोग भी अगर इंसान ना हो के इसी तरह बैल बकरी होते तो बिना काम किए हुए हम लोग को खाना मिल जाता, बस बाहर निकलने की ज़रूरत थी और सब जगह खाना ही खाना। दोस्तों आप देख रहे हैं ये पौधा, ये फूल, इसको खाया जाता है, इससे रस निकलता है मीठा मीठा, जिसे आप देखिए हम खा रहे हैं, मीठा मीठा रस निकलता है, बहुत ही लाजवाब होती है मीठा रस खाने के लिए। और इसका फल भी होता है, सॉरी गिर जा रहा था, इसका फल भी होता है, देखिए यहाँ पर है, देख रहे हैं आप, यह फल पकने पर काला हो जाता है, तो इसको भी खाया जाता है, फल को अच्छा लगता है, मीठा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है बहुत अच्छा। केमन आछो, आशा करी सबाई भालो आछो। हमको एक बहुत शानदार चीज़ और लाजवाब चीज़ मिला है, चलिए दिखाता हूँ आप लोग को। वाह, बहुत ही कीमती चीज़ मिला है हमको, आप लोग तो जानते हैं इसको क्या कहते हैं, बताइए तो इसको क्या बोला जाता है। झारखंड में बहुत फेमस है ये, झारखंड क्या बहुत ही बहुत सारी जगहों में बहुत फेमस है और इसका सब्ज़ी बहुत लाजवाब होती है खाने में। तो इसको हम निकालेंगे, दो वो मिला है यहाँ पर, इसको हम निकालेंगे, खींचने से टूट जाएगी तो इसको प्यार से निकालना पड़ता है। एक निकल गया, दूसरा निकालेंगे अभी, ये जो सीजन चल रहा है इस सीजन में ये मिलना बहुत ही अच्छा होता है। और एक है, और एक यहाँ पर है, ये काफ़ी बड़ा है पर ये आज का नहीं है, कल ही निकला था तो थोड़ा नाजुक हो गया है, इसको भी निकालेंगे। लगभग ये घर ले जाने लायक नहीं है, थोड़ा सड़ गया है, देख रहे हैं आप, तो इसको हम नहीं ले जाएंगे, इसको फेंक देंगे अभी फ़िलहाल, ये दोनों को ले जाएंगे। चराने आए हैं, बहुत ज़ोर से पानी प्यास लगी है और यहाँ मैदान में पानी तो कहीं मिलेगा नहीं पीने योग्य, क्योंकि बारिश का मौसम है, हर जगह बारिश का पानी जमा है और हर तरफ मैला पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं पूरा मैला पानी बह रहा है, जो नदी थोड़ी सी बह रही है उसमें मैं पूरा मैला पानी बह रहा है। तो अभी हम ये जो बाली है
बाली में गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोदने के बाद उसमें जो पानी फिल्टर होगी उसको पिएंगे। तो चलिए गड्ढा खोदते हैं। कहाँ खोदेंगे तो चलिए यहाँ पर खोदते हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ नहीं खोदेंगे, यहाँ पर थोड़ा मिट्टी है, हम यहाँ पर खोदेंगे, यहाँ पर खोदेंगे और ये पानी यहाँ जमा होगी। जो पानी आ रही है वो पानी यहाँ पर जमा होगी, फिल्टर होके उसको पिएंगे। उपाय तो लगाना पड़ेगा क्योंकि बिना पानी में तो रहा नहीं जाएगा, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर हमें खोद रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं खोद रहा हूँ, लगभग थोड़ा खुदाई हो गया है तो इसको अच्छी तरह से खोदेंगे। खोद के धीरे धीरे पानी जमेगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी धीरे धीरे जम रही है, तो इसी पानी को हम पीने योग्य बनाएंगे। हम देख सकते हैं पूरा खोद दिए हैं हम, अब धीरे धीरे पानी यहाँ जमा होगी, देख रहे होंगे पानी धीरे धीरे जम रही है। देख सकते हैं धीरे धीरे पानी जम रही है, जमने के बाद ये फिल्टर हो जाएगी। फिल्टर होने के बाद गंदा पानी बह के निकल जाएगा ऊपर से और अच्छा वाला पानी रह जाएगा, तो हम उसी को पियेंगे। ठीक है, तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक ये जम के पूरा ना मना पूरा इसमें भर जाए पानी, तब तक इंतज़ार करेंगे, जमने के बाद दिखाएंगे आपको। फाइनली दोस्तों मेरा कुआं तैयार हो गया है, चलिए वो पानी पीते हैं, पी के अपना जो प्यास है उसको बुझाते हैं। तो चलिए इसमें डुबकी लगाते हैं। देखिए कितना स्वच्छ पानी है, कितना सुनहरा पानी है, कितना साफ पानी है, पूरा अंदर तक दिख रहा है, तो इसको हम पियेंगे अभी। बहुत ही मीठा पानी है, ऐसे दिमाग लगा के प्यास बुझाई जाती है अपना। तो गाइस आज का दिन भर मेरा बकरी चराना हो गया, अभी मैं घर की तरफ बकरी को लेके जा रहा हूँ। अभी 5 बज रहे हैं, बस अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो आज का दिन कैसा रहा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, और क्या क्या करना है आप लोग तो जानते ही होंगे, प्यार से कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। तो ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। ये मेरा रहा बकरी, ये देखिए मेरे बकरियाँ जा रही है आगे आगे, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ उन लोग के, वो लीड कर रहे हैं, मैं उनका अनुसरण कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।